बैक टू अनदर वीडियो और आज की इस वीडियो में बीएससी सेमेस्टर सेकंड की जो यूनिट है सिंथेटिक डाइस उसके बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखने वाले हैं। आपका बीएससी सेमेस्टर सेकंड में एमसीक्यू पैटर्न है इस बार। अब आगे का मैं नहीं बता सकती कि अगले साल कैसा होगा या जैसा भी होगा, फिलहाल आपका एमसीक्यू पैटर्न है और उसी बेसिस पर ये वीडियो है। आपके सिंथेटिक डाइस यूनिट से चैप्टर से जितने भी एमसीक्यूज बनेंगे वो इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। अगर आपने इस वीडियो का कॉन्सेप्ट देख लिया, इस वीडियो को 2 से 3 बार अगर आपने देख लिया तो आपके सिंथेटिक डाई के जो भी एमसीक्यूज हैं वो नहीं छूटेंगे, आप आसानी से उसके एमसीक्यूज कर पाओगे। ठीक है, अब देखो सिंथेटिक डाई चैप्टर में आपको केवल अगर मैं कहूँ तो मोटे मोटे तौर पे आपको केवल 2 चीज पढ़नी है। एक तो ये कि कौन कौन से डाइज हैं, उनकी क्या क्या खासियत है, ठीक है, पहली चीज। और दूसरी चीज क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम क्या होते हैं और उनके एग्जाम्पल क्या होते हैं। सिर्फ इतना पढ़ना है आपको एमसीक्यू पैटर्न के लिए, क्योंकि आपको रिटर्न करना नहीं है कि पूरा आपको थ्योरी लिखना है, वो आपको करना नहीं है, तो आपको केवल इतना ही पढ़ना है। ठीक है, चलो तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि आपकी बहुत मतलब जो फेमस डाइस हैं उनके कुछ नाम हैं, जैसे आपने इंडिगो सुना होगा, जैसे आपने एजो डाइस सुनी होगी, जैसे आपने एलिजेरिन सुना होगा, आपने फिनोक्टिलीन सुना होगा, मिथाइल ऑरिन सुना होगा। और इसके अलावा अब देखो डाइस क्या होता है, डाइस ऐसे केमिकल सब्सटेंस हैं जो किसी दूसरे फैब्रिक को क्या करेंगे, कलर प्रोवाइड करने की खासियत रखते हैं या प्रॉपर्टी रखते हैं। ठीक है, अब फैब्रिक क्या हो सकता है, फैब्रिक आपका कॉटन हो सकता है, वूल हो सकता है, सिल्क हो सकता है, जूट हो सकता है, या कोई सा भी आपका फैब्रिक हो सकता है। इवन पेपर पर भी हम डाई करते हैं, है ना, डाई करना आपने सुना होगा, रंगना जिसे हम कहते हैं। अब डाइस की कुछ खासियत होती है, अगर कोई कंपाउंड कलर दे सकता है तो वो कलर कैसा होना चाहिए, पक्का कलर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई अगर हमने उसे धोया, डिटर्जेंट की का इस्तेमाल करा या कुछ भी हमने साबुन से धोया तो वो कलर चला जाए, तो वो डाई डाई नहीं मानी जाती है। ठीक है, डाई की दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि ऐसा ना हो कि हमने डाई करा किसी फैब्रिक को और हमने उसे लाइट में सुखाया और लाइट की वजह से वो कलर क्या हुआ, उड़ गया, तो वो डाई भी डाई नहीं मानी जाएगी। मतलब डाई नहीं मानी जाने से मतलब है कि आइडियल डाई नहीं मानी जाएगी, आदर्श तरह की डाई वो नहीं मानी जाएगी। ठीक है, एंड लास्ट प्रॉपर्टी ये है कि जैसे कोई जो डाई मतलब हम कह रहे हैं कि ये केमिकल कंपाउंड डाई है तो वो क्या होना चाहिए, वो किसी केमिकल की वजह से खराब नहीं होना चाहिए उसका कलर। तो 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो गई डाई की, एक तो वो लाइट की वजह से खराब नहीं होना चाहिए, एक वो पानी से खराब नहीं होना चाहिए, और तीसरा किसी भी तरीके के केमिकल से डिटर्जेंट से वो खराब नहीं होना चाहिए। अब देखो एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि हमें कलर कैसे दिख रहा है, मतलब अगर डाइस कलर दे रही है तो वो हमें कैसे दिख रहा है, कि कोई ग्रीन कलर का है, कोई रेड है, कोई ब्लू कलर का है, वो कलर कैसे दिख रहा है। 2 कंपाउंड होते हैं, एक कंपाउंड होता है क्रोमोफोर, एक कंपाउंड होता है ऑक्सोक्रोम। अगर मैं इसे कंपाउंड कहूँगी तो थोड़ा गलत होगा, एक तरीके से मैं कह सकती हूँ कि स्ट्रक्चर्स होते हैं। मतलब ये हमारा जैसे मान लो ये मेरा पूरा कंपाउंड है, कोई ये मेरे पूरी डाई है, इसमें इतना सा हिस्सा किसका होता है, क्रोमोफोर का होता है। ये पूरा का पूरा कंपाउंड लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, केवल और केवल ये छोटा सा हिस्सा जिसे मैं क्रोमोफोर कह रही हूँ वो लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, जिसकी वजह से हमें पूरे कंपाउंड पर कलर दिखता है। तो वो तो होता है हमारा क्रोमोफोर, जो मेन कंपाउंड कलर देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो क्या हो गया, क्रोमोफोर हो गया। और उसी को असिस्ट करने के लिए, उसी के आप छोटे छोटे हेल्पर समझ लो, उसके चारों तरफ मतलब उसके आसपास में मिल जाएंगे, वो होते हैं ऑक्सोक्रोम। ऑक्सोक्रोम ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो खुद तो कलर नहीं देते हैं या खुद तो लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, क्रोमोफोर की हेल्प कर रहे हैं कलर देने के लिए या लाइट को आसानी से एब्जॉर्ब करने के लिए। तो एक क्रोमोफोर हो गया और एक ऑक्सोक्रोम हो गया, तो डाइस को कलर कैसे मिल रहा है, वो क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम की मदद से उसको मिल रहा है। अभी हम ये मैंने बोर्ड पर कुछ आपको डाइस के बारे में बताया हुआ है, इसके अलावा और भी डाइस हैं वो भी देखेंगे, और फिर हम लास्ट में देखेंगे कि क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम के कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं जिस पर आपके एमसीक्यू बन सकते हैं। चलिए सबसे पहला आपका डाई है इंडिगो डाई। इंडिगो डाई की क्या क्या खासियत है या इस पर एमसीक्यू कैसे बनेगा, इंडिगो डाई का नाम है, इसका टाइप क्या है, इंडिगो कौन से टाइप की डाई है, वेट डाई है, VAT वेट डाई है,
उसके बाद ये इंडिया से मतलब इंडिगो कहाँ की है, इंडिया की डाई है। उसके बाद ये कौन से प्लांट से आपको मिलती है, तो इंडिगो आपको मिलती है इंडिगो फेरा टिंक्टोरिया नाम के एक प्लांट से। आप ये मेंशन जरूर करना, मतलब इसको लिखना अपने पास, स्टार मार्क करना कौन से प्लांट से मिलती है, इंडिगो फेरा टिंक्टोरिया नाम के प्लांट से हमें इंडिगो डाई मिलती है। अब पहले तो क्या होता था, पहले केवल हम इसे नेचुरली ले सकते थे, मतलब किसी प्लांट से एक्सट्रैक्ट करके हम इस इंडिगो डाई को ऑब्टेन करते थे। लेकिन अब क्या होता है कि इंडिगो दोनों तरीके से हमें मिल सकती है, नेचुरली भी मिल सकती है और सिंथेटिकली भी मिल सकती है। नेचुरली मतलब प्लांट से हम डायरेक्टली भी इसे ऑब्टेन कर लेते हैं, और सिंथेटिकली मतलब हम कुछ केमिकल्स की रिएक्शन करा के उसके बाद भी इसकी फॉर्मेशन इंडस्ट्रीज वगैरह में कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इंडिगो की ये है कि ये पानी में इनसॉल्युबल होता है। इंडिगो जो डाई है हमारी, अच्छा कौन से कलर की होती है इंडिगो, इंडिगो हमारी डार्क ब्लू कलर टाइप की होती है, ब्लू से लेके वायलेट तक इसका कलर हो सकता है, लेकिन आप ब्लू से याद रखो, ठीक है। तो इंडिगो हमारी पानी में इनसॉल्युबल होती है। ये तो कुछ प्रॉपर्टीज हो गई कि इंडिगो, आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन आएगा कि इंडिगो इज ए, पहला ऑप्शन एजो डाई, दूसरा ऑप्शन वेट डाई, तीसरा ऑप्शन मॉडर्न डाई, चौथा ऑप्शन नन। तो आपका सही आंसर कौन सा होगा, वेट डाई, ठीक है। नेक्स्ट हमारी जो इम्पोर्टेंट डाई है उसका नाम है एलिजेरिन। एलिजेरिन जो डाई है इसकी खासियत ये है कि ये हमें मैडर प्लांट की रूट्स से मिलती है। कहाँ से मिलती है, जड़ों से। कौन से प्लांट की जड़ से मिलती है, मैडर प्लांट की रूट से हमें एलिजेरिन मिलती है। एलिजेरिन का कलर क्या होता है, ये जो हमारी डाई है ये कौन से कलर की होती है, ये रूबी रेड कलर की होती है। और ये कौन सी कैटेगरी में आती है, तो ये एंथ्राक्विनोन डाई की कैटेगरी में आती है। आपको करना क्या है, आपको साथ साथ कॉपी पर लिखना है कि ये डाई इस कैटेगरी में है, ये डाई इस कैटेगरी में है। बाकी मैंने सारे केवल इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं, कुछ भी डीप नहीं है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, तो इतना कॉन्सेप्ट आपके लिए एनफ होगा। उसके बाद हमारा जो थर्ड है वो थर्ड डाई का नाम है फिनोप्थिलीन। कुछ लोग इसे फिनॉल फिथिलीन भी प्रोनाउंस करते हैं, कुछ लोग इसे फिनोप्थिलीन भी कहते हैं, आपको जो कन्वीनियंट लगे आप वैसे बोलें। तो फिनोप्थिलीन कौन से टाइप की डाई है, कौन से कैटेगरी की डाई है, तो ये आती है हमारी थैलीन कैटेगरी में, थैलीन डाई में हमारी फिनोप्थिलीन आती है। असल में ये जो फिनोप्थिलीन और मिथाइल ऑरेंज है, ये दोनों क्या है, ये डाइस से ज्यादा ना इंडिकेटर का काम करते हैं। इंडिकेटर मतलब आपने टाइट्रेशन में देखा होगा कि हम टाइट्रेशन में क्या करते हैं, वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन में किसी न किसी इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमें एंड पॉइंट के बारे में पता चलता है। तो ये फिनोप्थिलीन और मिथाइल ऑरेंज है, ये डाइस से ज्यादा किसका काम करती है, इंडिकेटर का काम करती है। अब फिनोप्थिलीन जो है इसके नाम में ही क्या आ रहा है, थैलीन आ रहा है। तो आप सीधे सीधे लगा सकते हो कि फिनोप्थिलीन कौन सी कैटेगरी की है, थैलीन डाई है। उसके बाद फिनोप्थिलीन और मिथाइल ऑरेंज में कलर आपको जरूर याद रखते हैं। कहने का मतलब है कि जब एसिडिक मीडियम होगा अम्लीय मीडियम होगा, तो फिनोप्थिलीन क्या होगा, कलरलेस होगा, मतलब ये कोई कलर नहीं देगा। लेकिन जैसे ही आप बेसिक मीडियम करोगे, जैसे आपने NaOH में कुछ ड्रॉप्स फिनोप्थिलीन की डाली, ठीक है, NaOH क्या होता है, बेस होता है, तो बेसिक मीडियम में फिनोप्थिलीन कैसा कलर देता है, पिंक कलर देता है। अगर आपको एक्सपेरिमेंट देखना हो फिनोप्थिलीन का, तो तीन शॉट्स हैं, आप अकाउंट में जाना, वहाँ पर शॉर्ट्स है, उसका टाइटल है, एक का टाइटल है रुअब्जा और लिमका वाला, एक का टाइटल है वॉडका वाला। वो दोनों जो टाइटल, जो रील्स हैं, जो सॉरी शॉर्ट्स हैं यूट्यूब पर, वो फिनोप्थिलीन इंडिकेटर की हैं। आप वहाँ पर जाकर जरूर देखना, आपको बढ़िया लगेगी वो रील। तो उसके बाद आपका जो मिथाइल ऑरेंज है वो कौन सी कैटेगरी में आता है, मिथाइल ऑरेंज आता है एजो डाई की कैटेगरी। अब एजो डाई क्या है, एजो का मतलब होता है आपका N डबल बॉन्ड N, ये ग्रुप उसमें प्रेजेंट होता है। तो एजो डाई में आता है हमारा मिथाइल ऑरेंज। उसके बाद मिथाइल ऑरेंज कहाँ इस्तेमाल होता है, एसिड बेस टाइट्रेशन में इस्तेमाल होता है, किसकी फॉर्म में, इंडिकेटर की फॉर्म में इस्तेमाल होता है। उसके बाद मिथाइल ऑरेंज का एसिडिक मीडियम में क्या कलर होता है, एसिडिक मीडियम में रेड कलर होता है, और बेसिक मीडियम में आपका येलो से लेके ऑरेंज तक इसका कलर होता है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनेगा, आपका क्वेश्चन सिंपल आएगा कि जो मिथाइल ऑरेंज है वो आपको एसिडिक मीडियम में कौन सा कलर प्रोवाइड कराता है, ठीक है, आपको ऑप्शन सेम होंगे और आपका राइट आंसर होगा रेड कलर। देन हमारा क्वेश्चन आता है
कौन सी डाई इंडिकेटर की तरह इस्तेमाल होती है? तो या तो फिनोक्रिल राइट आंसर होगा या फिर हमारा मिथाइल ऑरेंज राइट आंसर होगा, ठीक है। और इंडिकेटर भी कैसा वाला, कौन सी टाइट्रेशन का इंडिकेटर? एसिड बेस टाइट्रेशन का इंडिकेटर। ये भी क्या है? एसिड बेस टाइट्रेशन का इंडिकेटर होता है। इसके बाद अगली डाइस देखते हैं। उसके बाद आपकी अगली डाइस है कॉम्बो रेड, मेलेजाइट ग्रीन और क्रिस्टल वाइट। अब देखो, कॉम्बो रेड नाम से समझ आ रहा है रेड कलर की डाई होने वाली है, ठीक है। कुछ कुछ के नाम से समझ में नहीं आता है, लेकिन कुछ कुछ डाइस के नाम में ही दिया होता है कि भाई ये इस कलर की होने वाली है। कॉम्बो रेड की खासियत क्या है, कौन सी कैटेगरी में आती है? डाई एजो डाई। अब देखो, डाई डाई से कंफ्यूज मत होना, यहाँ डाई का मतलब है दो और यहाँ डाई का मतलब है कि डाई, ठीक है। तो ये कैसी है कि इसमें दो एजो ग्रुप प्रेजेंट होंगे। अच्छा, अभी हमने पीछे पढ़ी थी क्या नाम था, मैलेजाइट ग्रीन, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज हमने पढ़ी थी, वो भी एजो डाई थी, लेकिन मिथाइल ऑरेंज कैसी एजो डाई है? मोनो एजो डाई है। आप लिख लेना पीछे आपने जो नोट्स बनाए हो, जहां भी नोट करा हो, तो वो कैसी है? मोनो एजो डाई है। लेकिन आपकी जो कॉम्बो रेड है वो कैसी है? डाई एजो डाई है। नेक्स्ट थिंग क्या है कॉम्बो रेड के बारे में, ये कॉम्बो रेड, पहले ये वाला पॉइंट देखते हैं फिर सेकंड देखेंगे। कॉम्बो रेड रेड कलर की कहाँ होती है, कौन से मीडियम में होती है? एल्कलाइन मीडियम में ये रेड कलर की होती है। लेकिन जैसे ही, बहुत ही सेंसिटिव डाई है कॉम्बो रेड, क्या है, बहुत ही सेंसिटिव डाई है, अगर एसिडिक मीडियम जो सॉरी एल्कलाइन मीडियम, एल्कलाइन मीडियम मतलब बेसिक मीडियम से जरा सा भी आप एसिडिक मीडियम की तरफ जाओगे तो तुरंत के तुरंत कलर चेंज हो जाता है। कलर कैसे चेंज होता है कि एसिडिक मीडियम में रेड से ब्लू कलर में इसका कलर चेंज होता है। देन नेक्स्ट है हमारे पास मैलेचाइट ग्रीन और क्रिस्टल वायलेट। अब ये दोनों मैंने साथ में इसलिए लिखी है क्योंकि दोनों की ही प्रॉपर्टी क्या है, सेम है। पहली चीज क्या है, कौन सी कैटेगरी में आती है? तो ये ट्राई एराइल मीथेन डाई की कैटेगरी में आती है। अब यहाँ एराइल की जगह मैं फिनाइल भी लिख सकती हूँ, ठीक है। तो ऐसे ट्राई फिनाइल मीथेन डाई वाला जो ग्रुप है वो इन दोनों डाई में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसके स्टार मार्क कर लेना। इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपका जो मैलेचाइट ग्रीन और क्रिस्टल वायलेट है वो एंटीसेप्टिक की तरह भी काम करते हैं या फिर एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल एजेंट की तरह भी काम करते हैं। इस पे एमसीक्यू मिलने के बहुत बहुत चांसेस हैं कि ऐसी वो क्वेश्चन कह देंगे कि कौन सी डाई आपकी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी रखती है या फिर एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल एजेंट की तरह काम करती है। तो आपको पता होना चाहिए मैलेचाइट ग्रीन और क्रिस्टल वायलेट इसका काम करती है। ये तो थी आपकी इम्पोर्टेंट डाइस। मैंने बोला था बहुत शॉर्ट में आपको समझाऊंगी और इतना हो जाएगा कि आपके एमसीक्यू इसमें हो जाएंगे आराम से। उसके बाद क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम जो हमने समझा था, अगर आपका क्वेश्चन आता है कि भाई कौन सा एजेंट डाइस को कलर प्रोवाइड करता है, तो आप क्या ऑप्शन लगाओगे? क्रोमोफोर ऑप्शन लगाओगे। अब अगर वो पूछते हैं कि कौन से जो कंपाउंड है, स्पीसीज है, सब्सटेंस है, असिस्टेंट का काम करते हैं, तो वो कौन होते हैं? क्रोम ऑक्सोक्रोम्स होते हैं। ऑक्सोक्रोम्स क्या है? कलर असिस्टेंस ग्रुप्स हैं, कलर असिस्टिंग ग्रुप्स हैं, किसके लिए? क्रोमोफोर के लिए। अब पहचानोगे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जरूर आएगा। पहचानोगे कैसे, मतलब आपको कई सारे वो कंपाउंड्स देंगे और आपको बोलेंगे कि कौन सा इनमें से ऑक्सोक्रोम है, कौन सा इनमें से क्रोमोफोर है। कैसे पहचानोगे? बहुत छोटी सी ट्रिक है। जो क्रोमोफोर होते हैं और जो ऑक्सोक्रोम होते हैं, दोनों में ही लोन पेयर तो होते ही होते हैं, लेकिन क्रोमोफोर की खासियत क्या होती है कि इन कंपाउंड्स में अनसेचुरेशन होगा ही होगा। अनसेचुरेशन होने का मतलब है डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा ही होगा। लोन पेयर है, सही है, अलग रख दो उसे, लेकिन उसके अलावा क्रोमोफोर में अनसेचुरेशन जरूर जरूर होना चाहिए। अगर किसी कंपाउंड में अनसेचुरेशन नहीं है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, सब सिंगल बॉन्ड है, तो वो क्रोमोफोर की तरह काम नहीं कर सकता या बिहेव नहीं कर सकता। तो क्रोमोफोर के एग्जाम्पल हैं NO, आप ये साथ साथ लिखते जाना, नाम मैं बताती जा रही हूँ। NO का नाम है नाइट्रोसो, NO का नाम है नाइट्रोसो ग्रुप, ठीक है। उसके बाद है NO2, NO2 का नाम है नाइट्रो ग्रुप। देन नेक्स्ट है हमारा N डबल बॉन्ड N, इसका नाम है हमारा एजो ग्रुप। देन नेक्स्ट है हमारा N डबल बॉन्ड N एंड एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड से हमारा है ऑक्सीजन, ये हो गया एजिडो सॉरी एजोक्सी, ये हो गया हमारा
एजोक्सी, एजिडो अलग होता है एजोक्सी, उसके बाद सीओ है, सीओ हो गया आपका कार्बोनिल ग्रुप, देन नेक्स्ट है हमारा सीएस, सीएस हो गया थायो कार्बोनिल, ये कार्बोनिल ग्रुप है, और ऑक्सीजन की जगह अगर मैं एस लगा दूं, सल्फर लगा दूं, तो ये हो जाता है थायो कार्बोनिल। देन ये हमारा पैरा क्विनोइड, पैरा पोजिशन पर है डबल बॉन्ड, पैरा क्विनोनोइड, पैरा क्विनोनोइड, ठीक है, ये है आपकी क्रोमोफोर। उसके अलावा ऑक्सोक्रोम्स के जो बेसिक एग्जांपल है वो है आपकी सेकेंडरी अमीन, टर्शरी सॉरी सेकेंडरी अमीन, प्राइमरी अमीन और NH2, उसके बाद OH है, हैलोजन है और आपका ईथर ग्रुप प्रेजेंट है, मतलब ये सब क्या है ऑक्सोक्रोम की तरह काम कर रही है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, क्यों, क्योंकि उन्हें भी हेल्प हो जाएगी। इतना कॉन्सेप्ट अगर आपने कर लिया है तो सिंथेटिक डाई से कोई भी क्वेश्चन बचकर नहीं जाएगा, आपके सेमेस्टर का एग्जाम बहुत अच्छे से हो जाएगा, श्योरिटी देती हूँ मैं। और सिंथेटिक डाई के अलावा इसका मतलब ये जैसे थ्योरेटिकल था, इसी तरीके से आपका जो मेडिसिनल केमिस्ट्री वाला यूनिट है, इंट्रोडक्टरी मेडिसिनल केमिस्ट्री, उसकी भी वीडियो मैंने अपलोड करी है, वो भी आप देख लेना, उसमें भी बहुत बेसिक तरीके से समझाया है, वो भी वीडियो एनफ है आपके उस यूनिट के एमसीक्यू के लिए, इतना कर दिया तो इस यूनिट के एमसीक्यू तो बहुत आराम से हो जाएंगे। इसके अलावा दो बड़ी वीडियोस पड़ी है चैनल पर और प्लेलिस्ट में भी पड़ी है, बड़ी वीडियोस से मतलब है कि सारे यूनिट्स के कंबाइंड एमसीक्यू हैं, मैं आपको श्योरिटी दे रही हूँ कि अगर आपने वो दो वीडियोस कर ली जो कंबाइंड वीडियोस हैं, जो बड़ी वीडियोस हैं प्रीवियस ईयर वाली या फिर एक पूरे सारे कंबाइंड वाली है, अगर उतना कर लिया तो बहुत आसानी से सारे एमसीक्यूज आप अटेम्प्ट कर सकते हो, 100 में से 75 तो बहुत आराम से कर सकते हो, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।